हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए नीरू कैप में बना कर ले आई हूँ, जो आपसे शेयर करूँगी। तो देखिए, ये मैं नीरू कैप टू कलर में मैं बनाई हूँ। देखिए, ये आगे की ओर आएगी ये डिजाइन। देखिए, इस तरह से मैं डिजाइन डाली हूँ, चोटी की तरह ये डिजाइन बनती गई है। और देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में। और बैक साइड से मैं देखिए ब्लैक कलर से मैं बनाई हूँ, इसे नीरू कैप बोलते हैं। मैं टू कलर में बनाई हूँ। सिंगल कलर के भी मैं वीडियो बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, नीरू कैप के सिंगल कलर में भी डिजाइन डालकर। तो देखिए, बहुत ही सुंदर लग रही है। तो आइए देखिए फ्रेंड्स, ये मैं बनाना स्टार्ट करूँगी। तो जैसे कि बनाने के लिए मैं ये बॉर्डर बनाई हूँ। पहले ये बॉर्डर मैं इसमें 92 फंदे में डाली हूँ। 92 फंदे से मैं ये बॉर्डर स्टार्ट की हूँ, जो बॉर्डर बनाई हूँ 92 फंदे से। तो आप अपने जैसे कि फेस की गोलाई जो होती है, इसके अकॉर्डिंग आप बॉर्डर डालेंगे। जैसे कि आपका अगर इतनी ही फेस की गोलाई आ रही है, तो आप फंदे कम रखेंगे। जैसे 80 फंदे रखेंगे, 85 फंदे रखेंगे, इस तरह से आप कर सकती हैं फंदे को कम बेसी। फेस के गोलाई के अकॉर्डिंग फंदे रखनी है। आइए देखिए, मैं स्टार्ट करती हूँ इसे बनाने के लिए। पहले इसको मैं साइड कर लूँगी। इसके लिए मैं देखिए ये ऊपर की बेस जो है, इतना मैं कंप्लीट कर ली हूँ। ये मैं नोरी कैप में बना रही हूँ। तो देखिए, टू कलर में डिजाइन डाली हूँ। तो मैं ऊपर की बेस जो है कंप्लीट कर ली हूँ। इसको मैं मेजरमेंट करके आपको दिखाती हूँ। ये पूरी 7.2 इंचेस में कंप्लीट की हूँ बनाकर। इतना कंप्लीट करने के लिए मैं देखिए यहाँ पे मैं 8 रो में दोनों साइड से उल्टा सिलाई में बनाई हूँ बॉर्डर। आप जैसी बॉर्डर डालना चाहती हैं डाल सकती हैं। मैं उल्टा सिलाई बनाते हुए बॉर्डर बनाई हूँ। इसके बाद 8 रो के बाद 9 रो से मैं डिजाइन डाली हूँ। देखिए इस तरह से ये डिजाइन किस तरह से बनती है। मैं छोटा सा पैटर्न में मैं आपको बताती हूँ कि डिजाइन किस तरह से डालनी है। ये बड़ा सा था इसलिए मैं नहीं बनाई, क्योंकि इसमें टाइम भी लगती है और आपको अच्छे से समझ नहीं आती। छोटा सा पैटर्न में आप अच्छे से समझ पाएंगी। तो देखिए, इस सिलाई पे मैं पूरे 20 फंदे में डाल के रखी हूँ और 9 नंबर की मैं सिलाई यूज कर रही हूँ। तो इसमें मैं 20 फंदे में डाली हूँ। 20 फंदे डालने के बाद देखिए, फर्स्ट रो में उल्टा सिलाई बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। सेकंड रो में बना रही हूँ, सेकंड रो भी इसी तरह से उल्टा सिलाई बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। जैसे कि ये जो बॉर्डर बनाई हूँ, इसी तरह से मैं उल्टा सिलाई बनाते हुए कंप्लीट करते हुए बॉर्डर बनाई हूँ। देखिए इस तरह से, देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं बना ली हूँ। तो ये मैं सिलाई पर फर्स्ट और सेकंड टू रो में बना ली हूँ उल्टा सिलाई बनाते हुए। तो टू रो बनाने के बाद देखिए, ये जो लाइनें हैं, वन रो ये बॉर्डर बनती है। जैसे कि देखिए, ये जो लाइन बनी हुई है, ये लाइनें वन रो बनती है। इसमें देखिए 1, 2, 3, 4 रो है। तो इसमें 8 रो में बॉर्डर बनाई हूँ। तो इसमें 1 रो ही बनाकर इसके बाद में आपको डिजाइन डालना स्टार्ट करती हूँ। डिजाइन देखिए किस तरह से बनती है। डिजाइन डालने के लिए मैं यहाँ पर रेड कलर का ऊन में ज्वाइंट करूंगी पहले। इसके बाद देखिए, यहाँ से मैं 6 फंदा इस तरह से सीधी सिलाई बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 6 फंदा में सीधी सिलाई बुन ली हूँ। 7 फंदा में मैं देखिए इस तरह से बल लूंगी, 2 बार सिलाई पर धागे को लपेटूंगी उनको। देखिए इस तरह से, इसके बाद में 6 फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंदा में मैं बल लेते हुए बुनूंगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद 6 फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें मैं देखिए यहाँ पर 6 फंदा सीधी सिलाई बुनी हूँ, 7 फंदा में मैं बल ली हूँ। 6 फंदा सीधी सिलाई, 7 फंदा में
बल जिसमें ली हूँ उसमें डिजाइन बनेगी, जैसे कि ये मैं डिजाइन बनाई हूँ ये वाला डिजाइन बनेगी 7 फंदा में। और ये जो कैप मैं बनाई हूँ इसमें मैं 12 फंदे के मैं गैप दी हूँ बीच में, ये जो है बीच में मैं जैसे कि यहाँ पे मैं 5 फंदा उल्टा सिलाई बनाई हूँ, 6 फंदा में डिजाइन बनाई हूँ, उसके बाद 12 फंदे के मैं गैप दी हूँ, 12 फंदा सीधी सिलाई, उसके बाद 13 फंदे में डिजाइन बनी हुई है, इसके बाद 12 फंदा और 13 फंदे में डिजाइन बनी हुई है, जिसमें मैं 12 फंदे के मैं गैप दी हूँ। आप जितनी फंदे के गैप देना चाहती हैं आप दे सकती हैं, जैसे कि आप इसमें कम करना चाहती हैं तो 10 फंदा, 8 फंदा, 6 फंदा, इस तरह से आप गैप दे सकती हैं। आप ये जो डिजाइन है आप जितने नज़दीक बनाना चाहते हैं जैसे पास पास में तो आप पास में भी बना सकती हैं, और गैप देना चाहती हैं तो और भी आप ये डिजाइन में जो गैप में दी हूँ ये आप गैप दे सकते हैं बहुत ही आसानी से। इसके बाद मैं देखिए उल्टा साइड से बनाऊंगी, उल्टा साइड से मैं सीधी सिलाई बुनूंगी, देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये डिजाइन का मैं सेकेंड रो में बना रही हूँ, फर्स्ट रो में अब मैं बताई सेकेंड रो में बना रही हूँ। सेकेंड रो में देखिए 6 फंदा सीधी सिलाई बुन ली हूँ और ये 7 फंदा जिसमें मैं बल ली हूँ इसको मैं खोल लूँगी, और खोल कर देखिए आप चाहे तो धागा आगे करके इस तरह से आप इस तरह से बल लेके इसमें उल्टा सिलाई इस तरह से बुनेंगे, फिर धागा पीछे और 6 फंदा सीधी सिलाई, देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यहाँ पे मैं बताया धागा आगे करके उल्टा सिलाई में बनाई हूँ इसे। या फिर आप चाहें तो अगर डिजाइन को बहुत ही ईजी करना है तो देखिए ये जो फंदा है इसको मैं इसे खोल लूँगी और सीधी सिलाई ही बुन लूँगी इसे भी, जो कि धागा मुझे आगे पीछे नहीं करने पड़ेगी, देखिए इस तरह से, क्योंकि ये जो फंदे मैं बुन रही हूँ इसको हर रो में इसे खोलना ही है, तो इसे आप उल्टा बुनेंगी या सीधा बुनेंगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए इस तरह से सीधी सिलाई ही मैं बुन ली हूँ बल लेते हुए। इसके बाद देखिए सॉरी इसके बाद लास्ट का ये 6 फंदा है इसे भी मैं सीधी सिलाई बुन लूँगी, तो मुझे धागा आगे पीछे नहीं करनी पड़ी है, तो इस तरह से भी आप कर सकती हैं। देखिए इस तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए थर्ड रो में बनाऊंगी, थर्ड रो में भी सेम उसी तरह से बनाऊंगी, 6 फंदा सीधी सिलाई, 7 फंदा में ये जो धागे इसको खोल के इस तरह से बुन लेते हुए सीधी सिलाई ही बुन लूंगी। इसके बाद 6 फंदा सीधी सिलाई, ये जो धागे हैं इसे खोलकर मैं बुन लेते हुए दोबारा फिर उसी तरह से बुन लूंगी मैं, लास्ट का 6 फंदा है उसे भी सीधी सिलाई बुन लूंगी। तो देखिए इस तरह से बन गई है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड रो में कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद बैक साइड से मैं फोर्थ रो बनाऊंगी, देखिए 6 फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी, इसके बाद देखिए बल वाला जो फंदा है इसमें भी मैं सीधी सिलाई ही बुन लूँगी, देखिए धागा आगे पीछे मैं नहीं करूँगी, धागा आगे पीछे करने थोड़ा सा टाइम लगती है, तो ये डिजाइन बनाने के लिए आप इसी तरह से कर सकती हैं, बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए। 6 फंदा सीधी सिलाई, बाल लेते हुए बुन लूंगी और लास्ट का है 6 फंदा
सीधे सिलाई बुन लूंगी। देखिए इस तरह से तीन में फोर्थ रो में कंप्लीट कर ली हूँ। फर्स्ट सेकंड फोर्थ रो तक मैं एक कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए फिफ्थ रो में बनाऊंगी सिक्स फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। इसके बाद देखिए ये जो बल वाला फंदा इसे मैं खोल लूंगी और इसके बाद देखिए ये जो बल वाले जो सारे फंदे हैं इसके नीचे मैं खोलती जाऊंगी। देखिए इस तरह से वन टू थ्री फोर, ये फोर रो तक मैं खोल लूंगी। देखिए इस तरह से फोर धागे दिख रही है, ये जो ब्लैक वाला जो फंदा इसको मैं उठा लूंगी। या फिर आप ब्लैक यहाँ पर नहीं दिखाना चाहती हैं तो आप थ्री रो ही खोलकर बना सकती हैं फर्स्ट रो डिजाइन। ऐसे फोर रो खोल के डिजाइनें बनती हैं। जैसे कि देखिए ये जो फंदा है इसके ऊपर चढ़ा लूंगी और ये थ्री फंदा इसके ऊपर चढ़ाऊंगी और ये इसके ऊपर इस तरह से छोड़ दूंगी। देखिए इस तरह से तो ये थ्री फंदे की ये डिजाइन बनेगी थ्री रो, जैसे कि इसके नीचे में खोली हूँ। इसके बाद देखिए इसकी नेक्स्ट रो जो बनेगी वो फोर रो नीचे खोलते हुए धागे को बनेगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे भी मैं सेम उसी तरह से की हूँ, ये ब्लैक कलर इसके ऊपर आ जा रही थी तो मैं थ्री रो ही खोल कर इसे मैं डिजाइन बनाई हूँ। तो आप इस तरह से कर सकती हैं या फिर आप देखिए नेक्स्ट रो में बताती हूँ। नेक्स्ट डिजाइन में ये जो है देखिए थ्री धागे जो दिख रही है थ्री फंदा इसके एक साथ में इस तरह से लेते हुए बल लेते हुए सीधी सिलाई बुन लूंगी। देखिए इस तरह से इसके बाद सिक्स फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी। इसके बाद देखिए ये जो पैटर्न है इसको सेम उसी तरह से खोलूंगी। वन फोर रो नीचे तक खोलनी है, टू थ्री फोर। अगर आप इस तरह से फोर रो खोल के बनाती हैं तो ये जो ब्लैक वाला जो फंदा है इसके ऊपर आएगी। देखिए फोर धागा इस लाइन पर चढ़ा लूंगी, इसके ऊपर इस तरह से छोड़ दूंगी। देखिए इस तरह से आएगी। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रही है मुझे, आप चाहें तो कर सकती हैं अगर आपको पसंद है तो। तो मैं यहाँ पर थ्री रो ही खोलूंगी। देखिए वन फंदा इसे मैं बुन लूंगी। इसके ऊपर देखिए इस तरह से छोड़ दूंगी और इसे सीधी सिलाई बुन लूंगी। लास्ट का ये सिक्स फंदा है इसे मैं सीधी सिलाई बुन लूंगी। देखिए इस तरह से बन गई है। तो ये डिजाइन जो है फाइव रो में पूरी ये पैटर्न वन रो एक कंप्लीट होती है। जैसे कि ये जो है डिजाइन ये फाइव रो में वन पैटर्न कंप्लीट हुई है, उसके बाद फिर फाइव रो में दूसरे पैटर्न है कंप्लीट हुई है। तो ये टू रो पैटर्न में बनाई हूँ रेड कलर से, टू रो ब्लैक कलर से, टू रो रेड कलर से इस तरह से बनाते हुए मैं कंप्लीट की हूँ। इसके बाद ना जैसे कि इसकी नेक्स्ट ए जो रो फाइव रो है यहाँ से मैं काउंट करूंगी। देखिए इस तरह से फोर रो में सेम उसी तरह से बना लूंगी जैसे कि स्टार्टिंग से मैं फोर रो बनाई थी। फाइव रो में डिजाइन को मैं कंप्लीट की हूँ, सेम उसी तरह से फोर रो और मैं बना लूंगी। उसके बाद नेक्स्ट रो डिजाइन को मैं कंप्लीट करूंगी। देखिए सिक्स फंदा मैं सीधी सिलाई बुन ली, उसके बाद देखिए ये जो बल वाले फंदा है इसको मैं खोल के इस तरह से बल लेते हुए सीधी सिलाई बुन लूंगी। तो इसी तरह से मैं फोर रो कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ।
देखिए फ्रेंड्स, मैं 4 रो में कंप्लीट कर ली हूँ। देखिए 5 रो में मैं डिजाइन को पूरे कंप्लीट करूँगी। देखिए यहाँ से मैं ब्लैक कलर का ऊन में चेंज करूँगी कलर। देखिए इस तरह से 6 फंदा में ब्लैक कलर से मैं बुनूंगी। देखिए मैं 6 फंदा ब्लैक कलर से बुन ली हूँ। इसके बाद देखिए ये जो बल वाला जो फंदा है इसको मैं खोल लूँगी और इसके नीचे 4 रो तक मैं धागे को मैं खोलूँगी। देखिए इस तरह से 1, 2, 3, 4 और देखिए ये जो 3 फंदा से मैं डिजाइन जो बनाई थी इसको मैं ए सिलाई पे चढ़ा लूँगी। देखिए इस तरह से, और ये जो 4 रो में खोली हूँ ये धागे को मैं यहाँ पे चढ़ाऊँगी। और ये जो 4 धागे जो दिख रही है ये 3 धागे इसके ऊपर इस तरह से छोड़ दूँगी। देखिए इस तरह से ये चोटी की तरह ये पैटर्न बनती जाएगी चैन की तरह। इसके बाद देखिए ये जो 4 धागे इसको मैं एक साथ लेकर बल लेते हुए बुन लूँगी। देखिए इस तरह से डिजाइन आएगी। इसके बाद 6 फंदा सीधी सिलाई। और देखिए 7 फंदा में सेम उसी तरह से करूंगी, 4 रो तक नीचे तक खोल लूंगी मैं। और देखिए ये जो 3 फंदा जो है एक साथ में इस सिलाई पे चढ़ा लूंगी। इसके बाद देखिए 4 जो धागे हैं इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा लूंगी और यहाँ पर इसके ऊपर इस तरह से छोड़ दूंगी। इसके बाद देखिए ये जो थी 4 धागे है इसको एक साथ में लेकर इस तरह से बल लेते हुए बुन लूंगी। देखिए इस तरह से पैटर्न बनेगी। लास्ट का ये 6 फंदा है उसको मैं सीधी सिलाई बुन लूंगी। तो देखिए इस तरह से 2 रो रेड कलर से मैं ये डिजाइन को बना ली हूँ मैं। देखिए इस तरह से, इसी तरह से 2 रो फिर ब्लैक कलर से बनेगी और 2 रो रेड कलर से। तो देखिए जैसे कि मैं इसमें बनाई हूँ ये डिजाइन बनती जाएगी। तो इस तरह से पैटर्न लगेगी देखने में, बहुत ही सुंदर डिजाइन है, बहुत ही ईजी है। तो इसके बाद डिजाइन तो आपको समझ में आ गई होगी। देखिए फ्रेंड्स, सेम इसी तरह से मैं ये डिजाइन को भी मैं कंप्लीट की हूँ, जैसे कि ब्लैक कलर से। इसके बाद देखिए 2 रो ब्लैक कलर से बनाई हूँ, 2 रो रेड कलर से। तो डिजाइन इसी तरह से बनाती जाएंगी तो आपका पैटर्न इस तरह से दिखेगी। आपको डिजाइन तो समझ आ गई होगी। तो इसके बाद मैं आगे की मैं डिजाइन में बनाना स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि यहाँ तक मैं कंप्लीट कर ली हूँ। तो यहाँ पर मैं देखिए फंदे में घटाऊंगी। तो पहले देखिए लास्ट रो ब्लैक कलर का जो है वो पैटर्न को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैं 5 फंदे सीधी सिलाई में बुनूंगी। 1, 2, 3, 4, 5 देखिए इस तरह से। और देखिए ये पैटर्न को मैं 4 रो नीचे तक मैं खोलूंगी। जैसे कि मैं देखिए मैं स्टार्ट की थी ब्लैक कलर से, यहाँ से 4 रो में कंप्लीट की थी ब्लैक कलर से, यहाँ पे कंप्लीट की हूँ। इसके बाद देखिए डिजाइन बनाऊंगी। तो देखिए ये जो बल वाले फंदे इसको मैं खोल लूँगी। 1, 2, 3, 4 इस तरह से। इसके बाद देखिए ये जो 4 फंदा इसके ऊपर चढ़ा लूँगी रेड कलर के जो दिख रही है, अरे जो ब्लैक कलर के हैं इसके ऊपर इस तरह से छोड़ दूंगी। देखिए इस तरह से। तो देखिए पैटर्न इस तरह से बन गई है। इसके बाद देखिए यहीं इसी जगह पे मैं फंदे घटाऊंगी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे मैं इस तरह से सीधी सिलाई में बुन लूंगी। इसमें मैं बल नहीं लूंगी क्योंकि अब मैं पैटर्न को बंद कर रही हूँ। तो देखिए इसी तरह से नॉर्मल में सीधी सिलाई बुन लूंगी। इसके बाद यहाँ से मैं 12 फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी।
देखिए दोबारा पैटर्न यहाँ पे सेम उसी तरह से करूँगी, फोर रो नीचे तक मैं खोल लूँगी। ये जो देखिए रेड कलर का जो पैटर्न है इसके ऊपर चढ़ा लूँगी, फोर फंदा है इसके साथ, और ये फोर फंदा ब्लैक कलर का जो मैं खोली हूँ इसके ऊपर रखूँगी, और ये ब्लैक के ऊपर इस तरह से छोड़ दूँगी। तो देखिए इस तरह से डिजाइन बन गई है। इसके बाद यहाँ पे मैं सीधी सिलाई बुन लूँगी इसे। तो देखिए इस तरह से बन रही है। तो इसी तरह से पूरी रो में कंप्लीट कर लूँगी, और बैक साइड से भी सीधी सिलाई सारे फंदे पे बुनते हुए कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं फ्रंट साइड से और बैक साइड से दोनों साइड से बनाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। अब मैं देखिए फंदे घटाऊँगी। फंदे किस तरह से घटाऊँगी, देखिए ये जो चोटी की तरह डिजाइन बनी हुई है सेम इसी जगह पर मैं फंदे घटाऊँगी। तो यहाँ से मैं फोर फंदा पहले इस तरह से सीधी सिलाई बुनूंगी, वन टू थ्री फोर, फोर फंदा मैं सीधी सिलाई बुन ली हूँ। इसके बाद यहाँ पर देखिए वन फंदा इस साइड से, वन फंदा इस साइड से, ये डिजाइन का दोनों साइड से वन वन फंदा मैं इस तरह से लूँगी। तो बीच वाला जो फंदा है इसको मैं इस तरह से छोड़ दूँगी, और ये फंदा इसके ऊपर चढ़ाऊँगी, और ये जो फंदा है बीच वाला इसके ऊपर इस तरह से चढ़ाऊंगी, और ये तीन फंदा एक साथ में लेकर थ्री फंदा, और इस तरह से सीधी सिलाई बुन लूँगी। तो देखिए इस तरह से यहाँ पे टू फंदा घट गई है, तीन फंदा एक साथ में मैं बुनी हूँ, टू फंदा घट गई है। इसके बाद यहाँ से मैं देखिए इस तरह से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन फंदा मैं सीधी सिलाई बुन ली हूँ, और सेम उसी तरह से इस जगह पे भी मैं घटा लूँगी। देखिए ये थ्री फंदा एक साथ में इस तरह से बुनूँगी, पहले मैं फंदा को यहाँ पे चढ़ा लूँगी। अब ये जो बीच वाला जो फंदा है देखिए खुल गई है, इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा लूंगी, और थ्री फंदा एक साथ में सीधी सिलाई बुन लूंगी। देखिए इस तरह से, तो यहाँ पे मैं देखिए टू जगह में फंदे घटा ली हूँ। सेम इसी तरह से सारे फंदे मैं घटा लूंगी, हर जगह पे मैं टू टू फंदे। देखिए यहाँ से मैं टेन फंदा सीधी सिलाई बुनूंगी, ये टेन फंदा मैं सीधी सिलाई बुन लूंगी, और देखिए वन फंदा इस साइड से, वन फंदा इस साइड से, दोनों साइड से वन वन फंदा इस तरह से पहले फंदे को मैं इस तरह से कर लूँगी। ये जो बीच वाला फंदा है सबसे ऊपर होनी चाहिए, जिससे कि चैन की तरह है डिजाइन दिखेगी। ये थ्री फंदा एक साथ इस तरह से सीधी सिलाई बुन लूँगी। तो देखिए मैं थ्री जगह मैं आपको घटा के मैं दिखाती हूँ, सेम इसी तरह से हर पैटर्न में घटा कर मैं कंप्लीट कर लूँगी, और बैक साइड से सारे फंदे सीधी सिलाई बुनते हुए कंप्लीट करूँगी। सिर्फ ये जो फंदा है इसको मैं उल्टा सिलाई में बनाऊँगी, जो मैं डिजाइन बना रही हूँ। तो इसी तरह से बुनते हुए मैं फ्रंट साइड से और बैक साइड से मैं कंप्लीट करके इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं बैक साइड से भी मैं कंप्लीट कर ली हूँ बनाते हुए। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट रो में बना रही हूँ। पहले मैं थ्री फंदा यहाँ पे और सीधी सिलाई बुनूंगी, वन टू थ्री, और देखिए यहाँ पर मैं फंदे घटाऊँगी। देखिए टू फंदे को मैं इधर से उधर कर लूँगी। ये बीच वाला जो फंदा हमेशा थ्री फंदा के ऊपर होने चाहिए। देखिए इस तरह से थ्री फंदा एक साथ में लेकर इस तरह से सीधी सिलाई में बुन लूँगी। देखिए इस तरह से यहाँ पे टू फंदे घट गई है। इसके बाद यहाँ से देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स
सेवन एट फंदा में यहाँ पे सीधी सिलाई बुनूंगी। और इसके बाद सेम उसी तरह से यहाँ पे भी मैं फंदे घटा लूँगी। देखिए टू फंदा को मैं इधर से उधर कर लूँगी और थ्री फंदा एक साथ में लेकर इस तरह से सीधी सिलाई बुन लूँगी मैं। देखिए इस तरह से, इसके बाद यहाँ से एट फंदा में सीधी सिलाई बुनूंगी। देखिए इस तरह से फंदे घट रही है। सेम इजी तरह से हर रो में फंदे घटाते हुए मैं कंप्लीट करूंगी। सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि सिर्फ फ्रंट साइड से ही फंदे घटेगी, बैक साइड से फंदे नहीं घटेगी। बैक साइड से नॉर्मल सीधी सिलाई बुनते हुए कंप्लीट कर लेनी है। तो इसी तरह से बनाते हुए मैं ये पूरे कैप जो है मैं फंदे सारे घटाकर इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं सारे फंदे मैं घटा ली हूँ। देखिए इस तरह से बनाते हुए तो देखिए पैटर्न इस तरह से बन गई है। लास्ट भी इस सिलाई पे पूरी 9 फंदे बची हुई है, जैसे कि ये 7 पैटर्न में बनाई हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 7 फंदे का पैटर्न का 7 फंदा है और 2 फंदा इस साइड में एक्स्ट्रा थी, तो पूरी 9 फंदे बची हुई है। तो 9 फंदे को मैं सारे फंदे को एक साथ में बंद करूँगी। देखिए 2 फंदा एक साथ बुनूंगी पहले, इसके बाद इस पर चढ़ाकर फिर 2 फंदा मैं बुनूंगी। देखिए सिलाई पर चढ़ाकर 2 फंदा इस तरह से बुनते हुए सारे फंदे को मैं बंद कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, सारे फंदे को मैं बंद कर दी हूँ। यहाँ पे मैं ऊन को मैं कट कर लूंगी। देखिए इस तरह से बनकर कंप्लीट हो गई है। ये देखिए इस तरह से आएगी ये, देखिए इस तरह से आएगी ये। इसके बाद मैं बैक साइड का पार्ट बनाऊंगी। ये जो बैक साइड है इसका पार्ट मैं बनाऊंगी। ये नूरी कैप में बना रही हूँ, तो इसका बैक साइड का पार्ट देखिए इस तरह से बनती है। एक कैप मैं एक और बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, वाइट कलर और ग्रे कलर में, उसे भी आप देख सकती हैं। उसमें भी मैं डिजाइन डाली हूँ, ये 2 कलर में बना रही हूँ। तो देखिए बैक साइड का पार्ट देखिए इस तरह से बनेगी। तो पहले देखिए मैं यहाँ पर 8 फंदे में डाली हूँ, 8 फंदे। 8 फंदे डालने के बाद मैं बॉर्डर कम्प्लीट कर ली हूँ डोरी बांधने के लिए। जैसे कि आप जितनी लंबी डोरी रखनी चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग आप बना सकती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। तो ये मैं 8 फंदे डालते हुए दोनों साइड से उल्टा सिलाई बनाते हुए मैं कंप्लीट की हूँ, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। इसके बाद मैं देखिए यहाँ से मैं फंदे बढ़ाना स्टार्ट की हूँ। जैसे कि डोरी जितनी लंबी बनाना है उस लंबी बनाने के बाद में 1 फंदा हर रो में बढ़ाते गई हूँ, सिर्फ फ्रंट साइड से बैक साइड से नहीं। जैसे कि एक साइड से, दोनों साइड में से किसी भी तरह एक साइड से फंदे बढ़ानी है। तो देखिए मैं फंदे किस तरह से बढ़ाई हूँ मैं आपको बढ़ाते हुए मैं दिखाती हूँ। अभी मैं 2 फंदे और बढ़ाऊँगी इसमें। जैसे कि देखिए यहाँ से मैं सारे फंदे उल्टा सिलाई बनाते हुए कंप्लीट करूँगी। देखिए यहाँ से मैं यहाँ तक मैं फंदा में उल्टा सिलाई बुनते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। लास्ट का देखिए 2 फंदा है, तो यहाँ पर मैं देखिए इस तरह से 1 फंदा बनाऊंगी एक में,
उसके बाद दोबारा देखिए बैक साइड से सिलाई डाल के इस तरह से वन फंदा और बना लूँगी। तो इस तरह से मैं फंदे बढ़ा लूँगी, लास्ट का वन फंदा छोड़कर ये दूसरा फंदा में, इसके बाद लास्ट का जो वन फंदा है इसको मैं उल्टा सिलाई बना लूँगी। और इसके बाद देखिए ये बैक साइड है, दूसरी साइड से फंदे में नहीं बढ़ाऊँगी, इस तरह से उल्टा सिलाई बनाते हुए सारे फंदे का करके मैं बुन लूँगी। देखिए इस तरह से तो फंदे किस तरह से बढ़ाने यहाँ पे मैं बता दी हूँ, इसी तरह से हर रो में मैं फंदे बढ़ाते गई हूँ। देखिए फ्रेंड्स बैक साइड से मैं कंप्लीट कर ली हूँ बनाते हुए। इसके बाद देखिए ये जो मैं फंदे में बढ़ा ली हूँ तो ये सिलाई पर जो फंदे हैं वो 39 फंदे हो गई है, जैसे कि 8 फंदे से मैं स्टार्ट की थी यहाँ पे, यहाँ से हर रो में वन फंदे में बढ़ाते गई हूँ तो यहाँ पे 39 फंदे हो गई है। तो 39 फंदे हो गई है। इसके बाद में देखिए इसको मैं पहले मेजरमेंट कर लूँगी, जैसे कि इसको मैं नाप लूँगी, जहाँ से मैं फंदे में बढ़ाना स्टार्ट की हूँ यहाँ से इस तरह से इसको नाप लूँगी, इसके अकॉर्डिंग इसको मैं बुननी, क्योंकि इसमें स्टिच होगी तो इस तरह से इसको नाप लूँगी मैं। तो यहाँ से यहाँ बराबर हो रही है सही। और ये देखिए ये जो बीच में है यहाँ के लिए मैं ये फंदे में अब मैं नहीं बढ़ाऊँगी, दोनों साइड से उल्टा सिलाई बनाते हुए मैं पूरे 8 रो में कंप्लीट कर लूँगी। देखिए इस तरह से उल्टा सिलाई में बनाते हुए दोनों साइड से 8 रो में कंप्लीट करूँगी, जैसे कि यहाँ पे फंदे में बढ़ा रही थी फंदे में नहीं बढ़ाऊँगी। और फ्रेंड्स नीरू कैप में बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, आप जाकर देख सकती हैं उसे भी, शायद आपको उस डिज़ाइन पसंद आ जाए, आप उसे ट्राई कर सकती हैं। और ऐसे बहुत सारे कैप की वीडियो में बनाकर यूट्यूब में अपने चैनल में डाल रखी हूँ, बच्चे को बड़े को आप उसे देख सकती हैं। और बहुत सारे कार्डिगन जैकेट रमी बनाई हूँ तो उसे भी आप ट्राई कर सकती हैं देखकर। यहाँ पे जैसे कि मैं फंदे बढ़ा रही थी अब मैं फंदे नहीं बढ़ाऊँगी, देखिए सारे फंदे उल्टा सिलाई बना लूँगी। और बैक साइड से भी सेम उसी तरह से सारे फंदे उल्टा सिलाई बना लूँगी। इस तरह से मैं 10 से 12 रो तक मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए फ्रेंड्स मैं 10 रो में कंप्लीट कर ली हूँ, जैसे कि ये लाइन को मैं काउंट करूँगी, देखिए 1 2 3 4 5 फाइव लाइनें ये जो दिख रही है तो फाइव लाइनें ये 10 रो में कंप्लीट होती है, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों मिलाकर। तो ये मैं 10 रो कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद मैं जैसे कि फंदे में बढ़ाई हूँ सेम उसी तरह से दूसरी साइड से फंदे में घटाऊँगी। देखिए यहाँ से पहले मैं इस तरह से उल्टा सिलाई बुनते हुए लास्ट का 3 फंदा छोड़कर मैं कंप्लीट कर लूँगी। देखिए इस तरह से उल्टा सिलाई बनाते हुए लास्ट का यहाँ पे 3 फंदा छोड़कर सारे फंदा मैं बुन लूँगी। देखिए फ्रेंड्स लास्ट का 3 फंदा मैं छोड़कर बाकी जो फंदा उल्टा सिलाई में बुन ली हूँ, तो यहाँ पे मैं देखिए 2 फंदा के 1 फंदा में बनाऊंगी। देखिए इस तरह से, और इसके बाद यहाँ पे 1 फंदा उल्टा सिलाई बना लूँगी। इसके बाद देखिए बैक साइड से सारे फंदा उल्टा सिलाई बना लूँगी, बैक साइड से फंदे में नहीं घटाऊँगी, सिर्फ एक साइड से मैं फंदे घटाऊँगी। देखिए इस तरह से उल्टा सिलाई बनाते हुए कंप्लीट कर लूँगी। फ्रंट साइड से हर रो में लास्ट का 3 फंदा छोड़कर बाकी फंदा उल्टा सिलाई बुनूंगी और 2 फंदा घटा लूँगी, 2 फंदा का 1 फंदा बना लूँगी। देखिए फ्रेंड्स बैक साइड से बनाने के बाद में वापस मैं देखिए फ्रंट साइड से ये मैं बना रही हूँ, फ्रंट साइड से भी देखिए सारे फंदा उल्टा सिलाई में बुन ली हूँ। देखिए इस तरह से,
लास्ट का ये थ्री फंदा है, तो थ्री फंदा में से देखिए टू फंदा को वन फंदा में बना लूँगी, देखिए इस तरह से, और वन फंदा उल्टा सिलाई बना लूँगी। तो देखिए इस तरह से फंदे घट रही हैं, जैसे कि इस साइड बनी हुई तिरछी सेम उसी तरह से दूसरी साइड से तिरछी बनती आएगी, और मैं फंदे सारे फंदे में घटाते जाऊंगी जब तक कि यहाँ पर एट फंदे नहीं बचेगी। देखिए दो चार छः आठ, यहाँ पे आठ फंदा बचनी चाहिए, एट फंदा, जिससे कि मैं डोरी बनाऊंगी। इसमें डोरी बनाई हूँ, बाकी जो फंदा है इसी तरह से बनाते हुए फ्रंट साइड से लास्ट में यहाँ पर वन फंदा हर रो में घटाती जाऊँगी। दोनों साइड से पैटर्न सेम बनती है, जैसे कि एक साइड से फंदे बढ़ती है और एक साइड से फंदे घटती है। तो इसी तरह से मैं बनाते हुए मैं कंप्लीट करके इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। बहुत इजी है, बहुत आसानी से बना सकती हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं फंदे घटाते हुए मैं पूरी कंप्लीट कर ली हूँ। जैसे कि यहाँ से मैं फंदे बढ़ाते हुए कंप्लीट की थी, सेम उसी तरह से घटाते हुए कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद यहाँ पर एट फंदा बची, तो एट फंदा का मैं डोरी बना ली हूँ। देखिए इतनी लंबी मैं डोरी बनाई हूँ, आप जितने लंबी रखना पसंद करती हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बना सकती हैं। दोनों साइड में देखिए डोरी में कंप्लीट कर ली हूँ, देखिए इस तरह से आएगी। तो उल्टा सिलाई बनाते हुए मैं डोरी बनाई हूँ, देखिए इस तरह से उल्टा सिलाई बनाते हुए दोनों साइड से डोरी में कंप्लीट कर ली हूँ। इसके बाद देखिए ये जो एट फंदा है इसको मैं बंद कर लूँगी, टू फंदा एक साथ में बुनूंगी इस तरह से, और बंद कर लूँगी, घटा लूँगी। इसके बाद देखिए जो फंदा है सिलाई पर चढ़ाऊँगी और टू फंदा एक साथ में बुनूंगी, फिर इसके बाद देखिए सिलाई पर चढ़ाऊँगी और टू फंदा एक साथ बुनूंगी। तो देखिए इस तरह से फंदे घट रही है, इसी तरह से ये जो एट फंदा है लास्ट में ये सारा फंदा मैं इस तरह से बंद कर लूँगी। देखिए इस तरह से, इसके बाद देखिए उनको मैं कट कर लूंगी। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गई है दोनों साइड से, इस तरह से आएगी। इसके बाद देखिए ये जो मैं पैटर्न बनाई हूँ ये ऊपर की बेस है, इस तरह से आएगी, और ये बैक साइड की है, तो देखिए इस तरह से आएगी है। तो इसे मैं स्टिच करूँगी, तो ये मैं देखिए बैक साइड से इसे पलट लूँगी, और यहाँ से मैं जहाँ से मैं फंदे बढ़ाना स्टार्ट की हूँ उसी जगह से मैं इस तरह से इसको एक दूसरे को अटैच करते हुए मैं इस तरह से स्टिच कर लूँगी, देखिए। और यहाँ पर जो मैं फंदे नहीं बढ़ाई हूँ, ये मैं 10 रो बनाई थी, तो यहाँ पर ये जो राउंड है ये राउंड के इस तरह से स्टिच कर लूँगी। इसे मैं स्टिच करना स्टार्ट करूँगी, तो देखिए मैं सुई में ऊन को मैं डाल ली हूँ, और यहाँ से देखिए स्टिच करना स्टार्ट करूँगी। देखिए इस तरह से मैं स्टिच करूँगी, इसी तरह से यहाँ से स्टिच करते हुए मैं इसे यहाँ से इस साइड में कंप्लीट कर लूँगी। ये यहाँ पे ये पूरी राउंड इस तरह से स्टिच होगी, तो मैं स्टिच करके इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। बहुत ईजी है, बहुत ही आसानी से आप स्टिच कर लेंगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं सिलाई इस तरह से मैं पूरी कर ली हूँ, ये कंप्लीट कर ली हूँ सिलाई करके। देखिए इस तरह से बैक साइड से आएगी, इसे मैं फ्रंट साइड से पलट लूँगी, तो देखिए फ्रंट साइड से इस तरह से डिजाइन बन गई है। देखिए
बहुत ही सुंदर है और बनाने में भी बहुत ही ईजी है। आप इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं, बनाने में आपको बहुत कम समय लगेगी। इसे देखिए इस तरह से आएगी है। आप इसे आगे से भी बांध सकती हैं या फिर बैक साइड से भी घुमाकर भी आप इसे बांध सकती हैं। आप दोनों साइड से इसे यूज कर सकती हैं बांधकर। और ये डिजाइन देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। देखने में आपको टफ लग रही होगी पर ये डिजाइन बहुत ईजी है। मैं हर स्टेप बाय में बताई हूँ किस तरह से कैप बनानी है। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको बनाने में कोई भी दिक्कत होती है तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए या फिर मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकती हैं, फ़ोटो सेंड कर सकती हैं, जिससे कि जहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है वहाँ पे फ़ोटो क्लिक करके आप सेंड करेंगी तो मैं देखकर अच्छे से समझ पाऊँगी। और फ्रेंड्स आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो आप फुल देखें, जैसे कि आप फुल वीडियो देखेंगी तो आपको आसानी से समझ में आएगी और अच्छे से आप बना पाएंगी। क्योंकि बीच बीच में वीडियो आप देखती हैं तो अच्छे से नहीं समझ में आएगी और कमेंट करते हैं तो रिप्लाई देना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए वीडियो आप फुल देखें। तो फ्रेंड्स आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।